So good morning, fifth class. How are you all? All good? So हमने ये first chapter start किया था. Last lecture में मैंने आपको बताया. हमने growing plant from seed, seed की shape, sizes पढ़ी थी. ये हमने structures किए थे. Cotyledon, plumule, radical. Clear? Germination of seed के बारे में पढ़ा था. हमने stages of seed पढ़ी थी कि वो कैसे grow होता है. After that, मैंने आपको ये checkpoints दिए थे. ये आपका assignment था बेटे. The seed that have two seed leaves are called dicotyledons. इसका answer है dicotyledons. Spelling आपको मिल जाएंगे ऊपर. ठीक है. The dash provide food to the baby plant. Cotyledon. जो baby plant को food provide करते हैं, उसका answer है cotyledon. Clear? The dash make the seed coat soft for the germination of seed. कौन सी चीज़ seed को soft बनाती है germinate करने के लिए? Water. The water makes the seed coat soft for the germination of seed. तो इन तीनों के आंसर हैं इसका dicotyledon, cotyledon and water. Clear? So now let us start the new topic, dispersal of seed. Dispersal का मतलब क्या होता है? बिखरना, scattered. ठीक है? जब कोई पौधा अपने जब कोई पौधे के बीच बिखर जाते हैं हवा से, पानी से या बर्ड से, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. प्लांट्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. इफ़ ऑल द सीड ऑफ अ प्लांट फॉल एंड जर्मिनेट नियर इट, दे विल नॉट सी गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ. अगर वो If all the seed of a plant fall and germinate near it, अगर वो अपने आसपास ही गिर जाते हैं और germinate हो भी जाते हैं, they will not get favorable condition for the growth. उनके पास अपनी favorable conditions नहीं होंगी grow करने के लिए. ठीक है. Therefore, it is necessary for them to get scattered and grow away from the parent plant. So, ये ज़रूरी नहीं है. It is necessary for them to get scattered and grow away from the parent plant. तो उनके लिए अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके ग्रो करना ज़्यादा बेटर है. द स्कैटरिंग मतलब इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. बीजों का बिखरना अपने पेरेंट प्लांट से. सपोज एक ये पौधा है और उसके ये सारे सीड है. जब कोई एक पौधा अपने सीड को बिखेर देता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड. इज दैट क्लियर? एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल. अब एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब वो मटेरियल या वो थिंग्स जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं. एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल. देयर आर सम नेचुरल एजेंट दैट हेल्प इन स्केटरिंग द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. देयर आर सम नेचुरल एजेंट दैट हेल्प इन स्केटरिंग द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. हमारे पास बहुत नेचुरल एजेंट है, मतलब कुदरत के तौर से हमें हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो बीजों को, जो सीड्स को उसके पेरेंट प्लांट से दूर लेके जाती हैं. जैसे कि विंड हवा से बिखर जाती हैं सीड, वो उड़ा के ले जाती हैं, इधर उधर फैल जाते हैं. वाटर, वाटर के कारण. एनिमल्स, एनिमल जब पौधों को खाते हैं तो उनके सीड्स जो हैं वो गिरा देते हैं. ठीक है. इन सम प्लांट डिस्पर्जल ऑफ सीड ऑल्सो टेक प्लेस बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. कई ऐसी जगहों पे, कई ऐसे प्लांट्स में जहाँ पर फ्रूट्स भी, मतलब फ्रूट्स के कारण भी जो डिस्पर्जल ऑफ सीड जो है वो होता है. सम सीड्स एंड फ्रूट डिवलप स्पेशल स्ट्रक्चर विद हेल्प देम इन डिस्पर्सल. क्लियर? सो नेक्स्ट इज लाइट एंड हेयरी सीड ऑफ कॉटन, मदर, डेडेलियन एंड हिपटेज आर कैरिड फार अवे बाय विंड. ये जो हल्के बीज जो होते हैं, हेयरी, लाइट एंड हेयरी सीड्स, कॉटन हो गया, मदार हो गया, डेंडलियन हो गया, हिपटेज हो गया, ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के जा सकते हैं, मतलब बिखर जाते हैं. द सीड ऑफ स्कैमोर ट्री आर विंग्ड, दे स्पाइन थ्रू द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर्स. ठीक है. तो इसके जो ट्री के जो ऐसे सीड होते हैं वो विंग्ड होते हैं. स्कैमोर ट्री के वो खुद ही, मतलब हवा के कारण एक मिनी हेलीकॉप्टर जैसे वो खुद ही स्कैटर्ड हो जाते हैं. क्लियर? स्पीड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन वाटर और नियर वाटर बॉडीज आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. सीड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन वाटर
और नियर वाटर बॉडीज आर डिस्पर्स बाय वाटर, जो पौधे पानी में या पानी के आसपास उगते हैं वो पानी के कारण ही डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। द स्पॉन्ची फ्रूट ऑफ लॉटस एंड फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट मेक देम लाइट। स्पॉन्ची, ये देखो ये दिया हुआ है एक आपको पिक्चर, ये स्पॉन्ची फ्रूट ऑफ लॉटस है, इसके ये सीड्स हैं, तो ये अपने आप ही जो है ये पानी के कारण ही बिखर जाते हैं। और ये कोकोनट बींग्स डिस्पर्स बाय वाटर, ये कोकोनट के ट्रीज़ हैं, ये भी पानी के आसपास होते हैं, तो ये पानी के कारण ही स्कैटर्ड हो जाते हैं। दिस हेल्प द सीड फ्लोट ऑन वाटर, तो ये क्या करते हैं, पानी इनको हेल्प करता है फ्लोट करने के लिए, क्योंकि ये लाइट होते हैं, एंड मूव अलॉन्ग डिस्टेंस, तो ये काफ़ी दूर तक तैर के या उनके बहाव के साथ जा सकते हैं। क्लियर। ह्यूमन बींग एंड एनिमल ईट फ्रूट लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, चेरीज, मैंगोज एक्सेट्रा, थ्रो अवे देयर सीड्स, दी सीड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। हमें पता है फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स या एनिमल जो भी ईट जो फ्रूट्स हैं वो खाते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, चेरीज, मैंगो, तो ये क्या है, इनके सीड जो है वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलें तो वो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इज सम सीड लाइक बर्डॉक एंड कोकल बर हैव हुक्स और स्पाइन, दे गेट स्टक टू द फर, स्किन ऑफ एनिमल, क्लोथ ऑफ पीपल एंड कैरिड अवे। तो ये जो बर्डॉक और कोकोबल है इनके स्पाइन्स होते हैं, कांटे जैसे होती हैं हुक्स, तो ये क्या करते हैं किसी भी चीज़ के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिस कारण ये एक जगह से दूसरी जगह तक खुद ही ट्रैवल कर जाते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशंस के साथ अगर इनको न्यूट्रिशन मिले तो ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बर्ड स्वेलो सम सीड विच कम आउट अनचेज इन देयर ड्रॉपिंग ऑल्सो, सम सीड गेट स्टक टू देयर बीक वाइल ईटिंग फ्रूट, वेन दे रब देयर बीक ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज द सीड्स फॉल डाउन एंड लेटर ऑन ग्रो इन टू द न्यू प्लांट। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो सीड को भी खा जाते हैं, बट कुछ जो सीड जो उनकी बीक में अड़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर गिर जाते हैं तो ग्रो कर जाएंगे। क्लियर। स्क्विरल्स मतलब गिलहरी कलेक्ट नट एंड बरी देम टू बी यूज्ड इन विंटर। तो वो गिलहरी जो होती है वो नट्स को क्लियर करती मतलब कलेक्ट करती है और उनको वो ज़मीन में दबा देती है, वो अपना यही जो चीज़ें हैं वो विंटर में यूज़ करती है। दे ऑफन फॉरगेट देम, और कई बार वो भूल भी जाती है कि उसने वो बीज कहाँ रखे हुए हैं। सो व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, और जब उनको अच्छी कंडीशन मिल जाती हैं तो वही नट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। मतलब जो गिलहरी है वो अपने खाने के लिए जो नट्स हैं उनको ज़मीन में दबाती है, बट कभी कभी अगर वो भूल जाए तो उसे फेवरेबल कंडीशंस मिले तो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएंगी। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज सीड्स ऑफ पी एंड मस्टर्ड आर एनक्लोज्ड इन पॉड्स, दीज पॉड बर्स्ट ओपन वेन राइप एंड ड्राई, द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प इन स्केटरिंग ऑफ सीड्स। तो कई बार जो मटर के या मस्टर्ड के जो बीज हैं वो भी एकदम से पकने के बाद ड्राई होने के बाद ओपन हो जाते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं सीड को स्केटर्ड करने में। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। बिसाइड सीड्स न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट सच एज रूट, स्टेम्प एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कभी आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कुछ पौधे सिर्फ बीज से ही उगाए जा सकते हैं, कई पौधे जो हैं वो उनकी रूट से, स्टेम्प से भी उगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्राफ्टिंग करते हुए किसी को अपने घर में, मदर्स को या बड़ों को किसी को, तो वो क्या करते हैं कि अगर रोज़ का पौधा है तो रोज़ का कोई भी सीड नहीं होता तो उसकी एक स्टेम्प लेते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब एंकल वो थोड़ा उसको टेढ़ा काट देते हैं तो उसको वही ज़मीन में लगा देंगे तो वो रोज़ जो प्लांट है वो स्टेम से ग्रो कर जाता है। क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर। प्लांट्स लाइक बुगेनविलिया, आपने देखा होगा बिल्कुल पेपर जैसा टेक्सचर होता है, ये पिंक में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं, येलो ऑरेंज बुगेनविलियाज होते हैं। सो ये जो बुगेनविलियाज हैं, रोज़ है, हिबिस्कस है, शुगर केन है, आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। तो बेटे इनके कोई सीड नहीं होते, ये स्टेम से उग जाते हैं। ठीक है। दे हैव बर्ड्स विच ग्रो इन टू न्यू प्लांट, उनके बर्ड्स होते हैं जो एक जो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। हैव यू एवर नोटिस सच बर्ड्स ऑन पटैटोज, आपने कभी देखा है पटैटोज के बर्ड्स को, बर्ड्स को? द बर्ड्स ऑफ पटैटो आर कॉल्ड आईज। कभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, कभी उस पर वाइट वाइट कलर की ऐसे बनी होती हैं,
तो वो होती है पोटैटोज की आईज. सो दीज आईज ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो उसमें से भी जो है वो पोटैटो एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है. क्लियर. अनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स. जो अनियन और जिंजर है ये भी जमीन के अंदर ही अपने स्टेम्प से ग्रो कर जाती हैं. ठीक है. स्वीट पोटैटो, टर्निप, कैरेट आर ग्रोन फ्रॉम देयर रूट्स. तो ये रूट्स में होती हैं, ये रूट्स हम खाते हैं. ठीक है. द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बेगोनिया गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो इनके पत्तों से, ब्रायोफाइलम और बेगोनिया जो है, इनके पत्तों से न्यू प्लांट्स को उगाया जा सकता है. क्लियर. सो इट्स अ नॉलेज जोन. ऑन लार्ज स्केल एप्पल एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन बाय अ प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग. तो काफ़ी बड़े स्केल पर एप्पल और ऑरेंजेस को ग्राफ्टिंग से उगाया जाता है. क्लियर. सो हेयर इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रोज़ प्लांट. ये देखो, ये रोज़ प्लांट, इसको कटिंग कर देते हैं, यही जो स्टेम्प को ही ज़मीन में लगा दिया, तो उन्होंने ऐसे रूट्स पकड़ लेते हैं वो ज़मीन में. और जो पटैटोज है, जब उसकी ऐसी आइस बननी शुरू होती है, उन्हीं को फिर हम अगर ज़मीन में लगा दें तो ये पौधे उसके उगने शुरू हो जाते हैं. ये स्वीट पोटैटो ऐसे उगता है, तो हम ये वाला, इसका जो रूट्स है ये ईटेबल है, ये हम खाते हैं. ये ब्रायोफाइलम है, ये लीव से उगा देते हैं न्यू प्लांट्स. क्लियर. सो देयर आर सम प्लांट लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ये जो मोल्ड और मशरूम है, इनके कोई फ्लावर्स नहीं होते, कोई लीव्स नहीं होते, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. इंस्टेड ऑफ सीड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. ये भी सीड से नहीं उगाते, ये रिप्रोड्यूस किए जाते हैं अपने स्पोर्स से, जैसे ये स्पोर्स इनके हैं. ठीक है. द स्पोर्स आर टाइनी राउंड एंड लाइट बॉडीज विच कैन बी डिस्पर्स इजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट. ये जो स्पोर्स हैं, इनको ईजिली डिस्पर्स किया जाता है, ये बिखर जाते हैं ईजिली, और यही स्पोर्स के कारण एक न्यू जो पौधा है वो उग सकता है. क्लियर. क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. क्रॉप्स ऑफ सेम टाइप ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स. जब एक ज़मीन में एक काफ़ी बड़े हिस्से में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पौधा लगाया जाए, तो उनको हम क्रॉप्स बोलेंगे. ठीक है. वी हैव अ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन. सीजन बहुत ज़रूरी होते हैं क्रॉप्स के लिए. क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम नवम्बर टू अप्रैल. दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो विंटर सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, उनको हम रबी क्रॉप्स बोलेंगे. ठीक है. नवंबर टू अप्रैल के मंथ में. एंड द क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट, कॉटन आर ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. तो ये जो समर में लगाई जाती हैं जो क्रॉप्स, उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे. क्लियर. विंटर सीजन में जो लगाई जाती हैं क्रॉप्स, वो है रबी क्रॉप्स, और जो समर सीजन में लगाई जाती हैं, वो है खरीफ क्रॉप्स. इज दैट क्लियर. सो वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर, वाइल ब्रिंजल, पम्पकिन, गॉर्ड्स आर ग्रोन इन समर. तो ये आपको पता ही होगा, ज़्यादातर सब्जियाँ आपको सर्दियों में मिलती हैं. कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ये विंटर्स में आती हैं. एंड द ब्रिंजल, पम्पकिन, गॉर्ड्स मतलब घिया, करेले, तो ये आपको समर्स में मिलती हैं ये सारी वेजेस. क्लियर. सो नेक्स्ट इज सुटेबल कंडीशन फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए सुटेबल कंडीशंस कौन सी, हमने पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, एक प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए. सो टू ग्रो वेल, डिफरेंट प्लांट नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, सीजन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयल. नोइंग द सुटेबल कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स हेल्प इन ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स. इज दैट क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सॉयल. अब ये सॉयल में भी, इनकी सॉयल भी वेरी करती है. ठीक है. तो हम कौन सी मिट्टी में किस तरह की फसल जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं. राइस और जूट के लिए कौन सी सॉयल चाहिए हमें, क्ले सॉयल. विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें बहुत सारा पानी होता है. दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल. तो यही रीज़न है, राइस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्ले सॉइल चाहिए जो अपने पास पानी को होल्ड करके रखती है. तो ये सॉइल हमें कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल में, अराउंड द वेस्ट बंगाल. वीट इज़ ग्रोन इन द लॉमी सॉयल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. गेहूँ जो है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लॉमी सॉयल होती है. तो लॉमी सॉयल इज़ वेरी गुड फॉर वीट. क्लियर. नेक्स्ट इज ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉयल लाइक राजस्थान. राजस्थान में ज्वार और बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैंडी सॉयल होती है. क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉयल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, मतलब एमपी वाली साइड में और वेस्ट में,
इंडिया, वहाँ कॉटन ज़्यादा ग्रो की जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है. तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रॉप्स. क्लियर? टी प्लांट नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो वेल ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरियाज. टी प्लांट सबको पता है, असम, नीलगिरी, दार्जिलिंग, यहाँ पर टी प्लांट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर हिली एरियाज पे इनको ग्रो किया जाता है. हिली एरियाज पे इनकी खेती होती है जहाँ पर पानी मतलब खड़ा नहीं रहता, वो एक स्लांट हाइट पे रहती हैं. क्लियर? और वहाँ पे जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहती है. मेज ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन और हिल. जो मेज है वो प्लेन्स और हिल जो काफ़ी ड्राई सॉइल जहाँ पर हो वहाँ पर उगाई जाती है. अनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन सैंडी सॉइल. अनियन और जो ग्राउंडनट होते हैं वो एक ड्रेन्ड सैंडी सॉइल में उगाए जाते हैं. कोकोनट ग्रोज इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा. कोकोनट जो है वो पानी के ज़्यादा नज़दीक उगा मतलब पानी के आसपास होता है, तो पानी के आसपास कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा में कोकोनट ज़्यादा ग्रो कर सकता है. क्लियर? सो ग्रोइंग क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? जब एक काफ़ी बड़े लेवल पे हम जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलेंगे एग्रीकल्चर. दिस हैज़ टू बी डन टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री. अब ये एग्रीकल्चर क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो इंडिया में इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, उनका जो फूड है उसको हम कंप्लीट कर पाएँ. अ गुड क्रॉप ऐड टू द वेल्थ. अगर अच्छी फसल होगी तो वो एक कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बैलेंस कर सकती है. क्लियर? सो गुड एंड हेल्थी क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय. गुड और हेल्दी क्रॉप हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? यूजिंग हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड. हमें जो सीड हैं वो अच्छे और गुड क्वालिटी के लेने चाहिए. प्रिपेयरिंग द सॉयल इन द राइट मैनर. सॉयल को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. पहले उनको प्लग किया, फिर उसमें एक अच्छे फर्टिलाइजर मैन्योर यूज़ किए जाते हैं. एडिंग द राइट अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सच एज कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट टू द सॉयल. बिकॉज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हार्मफुल टू द सॉयल एज वेल एज क्रॉप्स. सो अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज कर भी रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर मतलब खाद, जो प्राकृतिक खादें हैं जैसे जो बायोगैस से बनती हैं या जो एनिमल डंग से बनती हैं, वेजिटेबल फ्रूट पील से जो बनती है, वो तो हो गई मैन्योर, इनका कोई नुकसान नहीं होता. बट फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकली मैन मेड चीज़ें, ठीक है, जैसे सुपर फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, नाइट्रेट्स हो गए. इनका हमें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी फसलों को ख़राब कर सकता है. तो हमें इसकी प्रॉपर जो है अमाउंट पता होनी चाहिए. इरीगेटिंग द सॉयल एट प्रॉपर टाइम. हमें टाइम टू टाइम जो सॉयल है उसको बार बार अच्छे से रिप्लेनिश कर देना चाहिए, ठीक है. स्प्रेइंग राइट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट लाइक लोकस्ट, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स. ये देखो, ये स्प्रे कर देते हैं ना इस तरह से फार्म्स में जाके, ताकि वो पेस्टिसाइड मतलब उनमें जो कीड़े वगैरह नहीं लगते. क्लियर? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड. अब क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सीड को कैसे बचा सकते हैं. द क्रॉप नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउज, गॉट एक्सेट्रा. बिगर एनिमल कैन बी कैप्ट अवे बाय फेंसिंग द फार्म एरिया. आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, फंगी, रैट, मोल, बर्ड्स, स्क्वेल. जब फसलें पूरी तैयार होती हैं तब हमें उनको बचाना चाहिए काउज और गोट्स को, मतलब उनको ग्रेजिंग करने से. और जब फसल पक जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको हम एक स्टोरेज रूम में बंद करते हैं और वहाँ हमें उनको बचाना चाहिए मॉइस्चर से, फंगी, रैट से. क्लियर? इंसेक्ट एंड पेस्ट देयरफॉर दे शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड सील्ड कंटेनर. तो हार्वेस्टिंग के बाद हमें उनको एक एयर टाइट और सील्ड कंटेनर में, जैसे ये स्टोर की हुई है क्रॉप्स को, यहाँ पर इस तरह से हमें स्टोर कर लेनी चाहिए. क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट. प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ आर फूड. पौधे जो हैं वो हमारी लाइफ में फूड का सबसे एक प्रायोरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है. दे गिव्स अ सीरियल, ये हमें दालें, अनाज देते हैं, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, दालें देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स, मसाले, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, शुगर, ऑयल देते हैं. बिसाइड फूड आइटम दे ऑल्सो प्रोवाइड अस. अब ये फूड आइटम को छोड़ के जो प्लांट्स हैं वो हमें वुड भी देते हैं, फाइबर, फाइबर मतलब कॉटन, जूट,
ये भी देते हैं, रबर देते हैं, रबर प्लांट से गम देते हैं, टी कॉफी एक्सेट्रा ब्रिवेजेस भी हमें मिलते हैं। अबव ऑल ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन एयर विच इज़ लाइफ गैस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और सबसे बड़ी बात कि वेजिटेबल सीरियल मतलब हमें ईटेबल थिंग्स भी देते हैं, हमारी यूजफुल चीज़ें भी देते हैं, और इन सब चीज़ों के अलावा सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमें मस्ट ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे फुलफिल आर ऑल नीड्स, ये हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्लियर? सो हेयर इज द चेक पॉइंट टू, सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वाटर से कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते थे हमने पढ़ा है ऊपर, मैं ऊपर लेके जाती हूँ कर्सर, चेक करो आप। बाय वाटर से कौन कौन से सीड जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, वाटर से हो रहे हैं स्पॉन्जी फ्रूट ऑफ लॉटस, लॉटस एंड कोकोनट के, ये वाटर से डिस्पर्स हो रहे हैं। और विंड से, एयर से कौन कौन से डिस्पर्स हो रहे, कॉटन, मदार, डेंडेलियन, हिप्टेज। तो कोई भी दो लिखने आपको इनमें से तो आप लिख लेना। क्लियर? आफ्टर दैट केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से थे हमारे पास, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया, नाइट्रेट, हमने ऊपर पढ़ा है। क्लियर? क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती है हमारे पास, देखो जरा विंटर सीजन में हमारे पास कौन कौन सी क्रॉप्स थी। विंटर सीजन में हमारे पास हैं वीट, बार्ले एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स में हमारे पास कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ये सारी विंटर सीजन की वेजेस हैं। क्लियर? तो ये हमारा चेक पॉइंट हो गया है। आई गिव यू द फोटोज ऑफ दिस चेक पॉइंट सो यू कैन मेक योर असाइनमेंट ऑन योर नोटबुक। एंड एट वन गो जस्ट अ क्विक समरी ऑफ फॉर दिस चैप्टर, फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड, जो फ्लावर्स देते हैं वही सीड को प्रोड्यूस करेंगे। सीड जर्मिनेट इंटू न्यू प्लांट, सीड जो है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। अ सीड नीड एयर, वाटर, वार्म्थ टू जर्मिनेट, उनको बेटर कंडीशन चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, एयर, वाटर एंड वार्म्थ। विंड, वाटर, एनिमल एंड ह्यूमंस आर एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। सो व्हाट आर द एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, विंड, वाटर, जो लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। मशरूम एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय पोर्स, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बाय स्पोर्स से। हमने पढ़ा था ना स्पोर्स कैसे हैं, स्पोर्स कौन से होते हैं मशरूम्स में, ये वाले, इनमें कोई सीड नहीं होते, कोई फ्लावर नहीं होता, कोई स्टेम्प नहीं है, कोई रूट नहीं है, ये स्पोर्स से जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ये वाले डिस्पर्स हो जाते हैं इस पर। क्लियर? आफ्टर दैट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम्प और लीव ऑफ प्लांट, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वही है सीड के अलावा जो नए पौधे जिन जिन चीज़ों से उगाए जा सकते हैं, तो रूट से भी उगते हैं, स्टेम्प से भी उगते हैं, लीव से भी उगते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स ग्रेन नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्ट, फंगी, रैट, इंसेक्ट एंड पेस्ट। क्लियर? सो थिंग्स टू रिमेंबर, कॉटिलीडन क्या होता है, थिक सीड लीव दैट स्टोर फूड। सीडलिंग क्या होती है, बेबी प्लांट विद अ स्मॉल रूट ऑफ अ स्मॉल शूट। पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया। इंसेक्टिसाइड, केमिकल दैट किल इंसेक्ट, वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल कर सकता है। हार्वेस्टिंग, कटिंग द राइप क्रॉप, जब पकी हुई फसलों को काटना हार्वेस्ट कहलाता है। जैसे हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है, विसाखी, अप्रैल में आता है ना, वो वीट की हार्वेस्टिंग होती है उसमें, गेहूं की। इरीगेशन, प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स, इरिगेशन का मतलब प्लांट्स को प्रॉपर पानी देना। क्लियर? सो दिस इज आर बैक एक्सरसाइज, मैं आपको आंसर्स क्लियर कर रही हूँ। प्लांट्स ग्रो वेल अंडर प्लेंटी ऑफ हीट, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ एयर, सुटेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड वार्म्थ। तो प्लांट्स ग्रोज वेल अंडर सुटेबल कंडीशन, डी इसका आंसर है, सुटेबल कंडीशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड वार्म्थ। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द आंसर। क्लियर? कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर द वेजिटेबल ऑफ विंटर्स। क्लियर? विंटर इज द आंसर। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर ऑब्वियसली। क्लियर? इनको भी हम विंटर्स में ग्रो करते हैं। ट्रू फॉल्स, अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, ट्रू। ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर्स आर गुड फॉर आर क्रॉप्स, नो इट्स अ फॉल्स। ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट डू नॉट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट डू नॉट ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट, ट्रू। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज गुड फॉर
द सॉयल नो फॉल्स द स्टेम्प ऑफ प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट नो ब्रायोफाइलम के लीव्स ग्रो करते हैं स्टेम्प नहीं इट्स अ फॉल्स सो फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स थर्ड इज ट्रू फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ इज ऑल्सो फॉल्स क्लियर सो दीज आर आंसर एंड क्वेश्चन एंड You just do your assignment from checkpoints to tick the correct answer, true, false, that's it, clear? उसके बाद मैं आपको question answers, आपको photos group में आ जाएंगी तो आप उसके assignment जो है अपनी fair notebook पे लिखेंगे और ये assignment भी checkpoints भी tick the correct answers भी true, false भी आपको आपकी fair notebook पे लिखने हैं clear? Take care.